हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल UIQ। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोग के लिए। अभी हम लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है पेड क्लासेस में, जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी 2 दिन डिले हो जाएगा। ये आपका 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट फ़ी के बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ पे भाई मैं फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 2 तरीके से है, इंस्टॉलमेंट में, ताकि आप ईजी वे में पे कर सकें, और अगर आपके पास पैसों को लेकर कोई इशू नहीं है तो फिर आप पूरा फुल कोर्स भी एक बार में परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कोर्स है किन के लिए। तो अभी भाई जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हर जगह आपने ट्राई कर लिया है, कॉलेज भी ट्राई किया, कोचिंग भी ट्राई किया, ओके, या फिर कहीं आपने सेल्फ स्टडी भी किया, लेकिन फिर भी आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, खुद में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिस हो रहा है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, तो ये कोर्स आप लोग के लिए है, ओके। और इसको हम लोग कोर्स नहीं कहेंगे भाई, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ाया गया है। यहाँ तक कि एक एक सब्जेक्ट में मैंने 3-3, 4-4 बुक एक तरीके से यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, ओके। तो कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। सबसे पहले आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है। बेसिक इलेक्ट्रिकल बस नाम करेगा बेसिक, लेकिन इसमें आपको इतना डेप्थ में कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जो कि आपके कॉलेज और स्कूल में नहीं बताया जाता है, या फिर कहीं जो आपने कोचिंग ये सब लिया हुआ है वो सब में भी आपको नहीं बताया जाएगा, ओके। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, पूरा कवर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन A to Z, सिंगल फेज, 3 फेज, AC मशीन, DC मशीन, यहाँ तक कि वाइंडिंग में इसमें कवर हो जाएगा, पावर सिस्टम पूरा, जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, स्विच गेयर, सारा चीज़ आ जाएगा। यहाँ तक कि इसमें आपका JB गुप्ता का MCQs भी कवर रहेगा आपका, जैसे आपका पूरा जनरेशन का 625 क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का 450 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर यूटिलाइजेशन का करीब 550 क्वेश्चन है, ओके। तो आपका MCQs भी कवर होगा इसमें और फुल कॉन्सेप्ट भी रहेगा। मेजरमेंट में पूरा आपका एनालॉगस रहेगा, जैसे आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में एमीटर, वोल्टमीटर, रेंज एक्सटेंशन, उसके बाद फिर आपका उसी तरीके से और भी जो आपके डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रोडायनामो टाइप हो गया, उसमें भी आपका एमीटर, वोल्टमीटर, रेंज एक्सटेंशन, उसका फिर इंडक्शन टाइप, उसमें भी एमीटर, वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर, ठीक है, CT PT, उसके बाद फिर आपका पोटेंशियोमीटर, सब चीज़ आ जाएगा भाई इसमें, ओके। उसके बाद फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो इसमें करीब आपके 20 लेक्चर दिए हैं मैंने, तो वो भी आपका बिल्कुल जीरो से चल रहा है एक तरीके से, समझिए। वो सब आपको भाई कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाएगा और ना ही कोई ट्यूशन में पढ़ाएगा, इतना डेप्थ में हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ओके। तो जिन्होंने एक तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है उनको पता चल रहा होगा कि हम लोग का एक तरीके से स्टैंडर्ड क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल भाई मैं उन सभी को रिकमेंड करूँगा जिन्होंने एक तरीके से सेल्फ स्टडी किया हुआ है अभी तक, या फिर कहिए ट्यूशन लिया हुआ है कहीं से भी। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवांस सब्जेक्ट को समझने के लिए, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स को भी समझने के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉरी बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ओके। तो एटलीस्ट आप बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करें, अगर आप बहुत ही डेप्थ में समझना चाहते हैं हर एक चीज़ों को। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का भाई यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पे रखा है, ये 4 मंथ का आपका चलेगा कोर्स, 600 पर मंथ चलेगा आपका, ठीक है, 600 रुपये पर मंथ चलेगा, और 4 इंस्टॉलमेंट इन 4 महीने के अंदर में देना आपको। इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा, जैसे मान लेते हैं आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक तरीके से पे किया 600 रुपीज़, अब मान लेते हैं आपको लेक्चर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा उससे सीखने को मिल रहा है, और आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को अब पूरा का पूरा लेक्चर चाहिए, तो आप रिमेनिंग जो आपका रहेगा जैसे 1800 रुपया, वो आप पूरा का पूरा पे करके आप फुल कोर्स ले सकते हैं। यानी कभी भी आपको लग रहा है कि मेरे को पूरा लेक्चर चाहिए एट अ टाइम, तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। मशीन में भाई 3600 फी है, तो इसका अगेन 600 × 6, यानी 6 मंथ चलेगा। मशीन में लेक्चर्स भी ज़्यादा है, करीब 300 अप्रोक्स लेक्चर मिलेंगे, तो उस बेसिस पर आपका टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, तो इसका भी 600 पर मंथ रहेगा। इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को फुल मशीन कोर्स का 300 लेक्चर चाहिए एट अ टाइम, तो आप फी पे करके आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे आपके हिसाब से पूरा पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है, जब जैसे आपको कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं। पावर सिस्टम में भी आपका करीब 150 लेक्चर रहेगा, तो इसमें भी आपका 650 × 4, यानी 650 रुपये के हिसाब से आपका मंथली हो जाएगा, ये 4 मंथ चलेगा आपका। मेजरमेंट क्योंकि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कवर किया गया, इसमें ज़्यादा लेक्चर नहीं है, 46 लेक्चर है, तो इसमें आपका एक ही बार पे करना पड़ेगा 700 रुपीज़, ओके। उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भाई मैं यही कहूँगा कि पहले आपका जो कोर पेपर है, ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर करना पहले, क्योंकि पूरा नेटवर्क जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन, थेवेनिन, KVL, KCL, ठीक है, ये सब इसी में बताया गया, तो
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब सर्किट सब सॉल्व कीजिएगा, अब आपको नेटवर्क का नॉलेज नहीं है, कहाँ पे प्लस लगाएंगे कहाँ पे माइनस लगाएंगे केवीएल सब में, तो नहीं समझ में आने वाला भाई। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को आप, मतलब वही है नाम का है बस आपका ये बेसिक, ठीक है, ये पूरा पूरा डेप्थ में जाएगा आपका। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें करीब अप्रोक्स 200 लेक्चर्स इसमें भी बनेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो अभी कोई बेनिफिट नहीं है भाई, अगर आप ये सब स्किप करके आ रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे तो ओके। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, ओके, आपका ब्रांच ही इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपको नेटवर्क ये सब आता है, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, इसका आपका यहाँ पे फ़ी दिया हुआ है 3200, लेकिन इसमें यही है कि आपको जो हम लोग का ओल्ड बैच है जो 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था, इसमें फिर आपको इनरोल करना पड़ेगा। 20 लेक्चर जो अभी दिए हैं वो आपको एट अ टाइम मिल जाएगा, उसका फिर आप सिंक्रोनाइज होकर हम लोग के साथ पैरेलल में आकर के लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें आपका दो इंस्टॉलमेंट रहेगा 1600 प्लस 1600 करके, लेकिन बाकी का जो है ऊपर में उसमें आपको फ्लेक्सिबल दिया गया है अपने हिसाब से, जो भी है मिनिमम आपका वही पर मंथ चलेगा 600, मशीन के लिए भी 600, पावर सिस्टम के लिए 650, मेजरमेंट के लिए 700 और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका फिर वही, अगर इसमें भी अगर आप चाहते हैं तो फिर इसमें वही है कि चार इंस्टॉलमेंट अगर मैं करता हूँ तो वही फिर आपका 800-800 पड़ेगा एक तरीके से। ओके, तो यही आपका फ़ी स्ट्रक्चर था। और जिनको भी एक तरीके से स्टार्ट करना है तो भाई ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे एंट्री 4 और यहाँ पे आप सब्जेक्ट नेम मेंशन कर दीजिएगा किस सब्जेक्ट के लिए एक तरीके से इनरोल होना चाहते हैं। ओके, और अगर आप पूरा सब्जेक्ट सिक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसके बाद फिर आप मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके लिए फिर आपका यहाँ पे टोटल फ़ी आ रहा है 12,500 रुपया। इसमें आपको 1500 का लेस कर दिया जाएगा, तो ओवरऑल आपका 11,000 यहाँ पे पड़ेगा। 11,000 में आपका फिर वही इंस्टॉलमेंट में अगर आप चलेंगे, एक साल का आपका यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा पूरे कोर्स का, तो एक साल के हिसाब से आपका यहाँ पे पड़ेगा 916 रुपये पर मंथ। ठीक है, 916 रुपये पर मंथ, और ये पूरा एक साल में पूरा कवर करवा दिया जाएगा आपका। लेकिन यही है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट कर लेंगे तो भाई आपका इतना स्ट्रांग हो, यानी जो आपके टीचर है ना जिससे आप पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेज हो या फिर ट्यूशन हो, उनसे भी ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर चाहे न्यूमेरिकल बेसिस पे पूछे या फिर आपका थ्योरेटिकल बेसिस पे पूछे, तो जो भी है आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कुछ और ज़्यादा आपका जानकारी ये सब चाहिए होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके।